मध्य प्रदेश के 43 जिलों में आज यानी बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है, जो आज शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 214 निकायों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। 214 निकायों में अंचल के 25 निकाय भी शामिल हैं। प्रदेश के 43 जिलों की 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषदों में मतदान जारी है। दूसरे चरण में 49,09,000 मतदाता प्रत्याशियों की हार जीत का फैसला करेंगे। वहीं 5 नगर निगमों में महापौर पद के लिए 44 और पार्षद पद के लिए 15,312 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 79 प्रत्याशी निर्विरोध पार्षद पद के लिए चुने जा चुके हैं। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषदों में 6,829 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में मतदाता वोटिंग करने पहुंचे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। नगरीय निकाय के दूसरे चरण में मतदान के लिए 222 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें नौगांव में 43, महाराजपुर में 30, गढ़ी मलहरा में 16, बिजावर में 20, सटई में 15, बक्सवाहा में 15, बड़ा मलहारा में 16, घुवारा में 15, लवकुशनगर में 22, चंदला में 15 और बारीगढ़ में 15 केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। बता दें कि पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को हो चुका है। दूसरे चरण में ईवीएम के जरिए वोटिंग की जा रही है। मतदाता को निर्धारित 20 पहचान पत्रों में से कोई एक मतदान पत्र मतदान के लिए साथ में लाना अनिवार्य है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के विकास के लिए मतदान की अपील की। सीएम ने कहा कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। लोकतंत्र में मतदान करना हमारा परम कर्तव्य है। सही नगर सरकार चुनने के लिए मतदान करना ना भूलें। नगर के विकास और जनता के कल्याण के लिए मतदान जरूर करें। सीएम शिवराज ने एक वीडियो शेयर करते हुए अपने ट्वीट में कहा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में आज मतदान का दिवस है। इसमें सभी नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। हर एक मत अमूल्य है, अतः सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने स्थानीय क्षेत्रों के विकास में सहयोगी बनें। आज कई नगरीय निकायों में मतदान भी है। मतदान करना लोकतंत्र में अपना परम कर्तव्य है, इसलिए मतदान जरूर करें। सही नगर सरकार चुनें, क्योंकि 5 साल तक यही नगर सरकार आपके नगर के विकास और जनता के कल्याण के लिए काम करेगी, इसलिए मतदान करना ना भूलें। छतरपुर जिले में नगरीय निकाय के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 10 बजे तक गढ़ी महलरा में 21.8%, घुवारा में 21.5%, बक्सोहा में 16.1%, बड़ा मलार में 19.7%, बिजावर में 17.9%, सटई में 23.4%, बारीगढ़ में 20.7%, चदला में 28.6%, महाराजपुर में 20.7%, लवकुशनगर में 17.7% और नौगांव में 14.6% मतदान हो चुका है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।